माँ पार्वती में स्नान करते हुए हमारे साथी भाई, ये भैया भी आनंद ले रहे हैं। और सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, देख सकते हो। अब मैं भी जा रहा हूँ नहाने। मंगले शादी था, सबसे बड़ा फूल है, देख सकते हो। माँ पार्वती का भाव आड़ मत कर दी, उधर पकड़ ले आंगस, इधर पकड़ ले। पार्वती मैया, माता श्री का तू पार्वती में स्नान कराया, आठ दिन का बोली बेटी, दिन चार बजे राम राम करी, बोली नहीं बेटी, कभी भी नहीं था। कर दो बंद, चलवा दो, मेरा नाम तुम नहीं रखो, मेरा नाम तुम नहीं रखो, ऐसा किया है ये बहुत राख है यार, आज तो बादर हो गया था, लोचन तो आओ रफ्त नहीं आओ, ले लो सीन देखो, बढ़िया ये देख सकते हो। बहुत लंबा ब्रिज माँ पार्वती का, जो अभी 3-4 साल पहले इसका निर्माण हुआ है, और वो सामने अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया 108 साल पुराना ब्रिज जो आज भी खड़ा है अपने पैर पर। तो भारत में जो अंग्रेजों की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत बेहतरीन थी, और उसी के आधार पर हमारे देश में बहुत प्रोग्रेस हुई है। पहले कितने पत्थर का ब्रिज होता था, जो कर्व टाइप से बनते थे, अब सरिया और सीमेंट का बनता। जय हो माँ पार्वती। सबसे पुराना रास्ता यही है, हम नहाए, ये हम जो खड़े हैं ये खुले हैं यहाँ का, तो आप पैदल चल सकते हैं और ऐसे करके नहा भी देखो, मैं माँ पार्वती में डूबने जा रहा हूँ, वीडियो बना और इधर ब्रिज दिखाइए, लोग जा रहे हैं नक्के स्नान। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, माँ पार्वती का, जिसमें आप स्नान करने आ सकते हो, क्योंकि ये गुना जिले के जंजाली के पास में पड़ता है, और बहुत ही पवित्र स्नान कर सकते हो आप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। ये पार्वती सेतु, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जब भगवान श्री राम श्रीलंका गए थे तब सेतु पार किया था, और ये पार्वती का सेतु है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। आप देख सकते हो नीचे पुल है और ऊपर पार्वती बह रही है। तो माँ पार्वती का संगम कई नदियों से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणेश।